इज़ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वैलिड कबीर इज़ अ मैथमेटिक्स मेजर एंड अ कंप्यूटर साइंस मेजर ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वाली जो प्रपोजिशन है ये इसकी प्रेमिस है देरफोर कबीर इज अ मैथेमेटिक्स मेजर ये जो प्रपोजिशन है ये इस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है और हमें ये पता करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कोई भी आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होता है जब भी उसकी जितने भी प्रमिसेज हैं अगर वो सारी प्रमिसेज एक साथ ट्र्यू हैं तो इस केस में अगर कंक्लूजन भी ट्र्यू है तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कबीर इज अ मैथमेटिक्स मेजर सपोज इस प्रपोजिशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से और कबीर इज़ अ कंप्यूटर साइंस मेजर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से तो पी प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रपोजिशन कबीर इज अ मैथमेटिक्स मेजर क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रपोजिशन कबीर इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं कबीर इज अ मैथमेटिक्स मेजर इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा सिंबल पी एंड कंजंक्शन पी एंड कबीर इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर इसके जगह हो जाएगा सिंबल क्यू एक ही देर फोर ये सिंबल देर फोर के लिए कबीर इज अ मैथमेटिक्स मेजर सो कबीर इज अ मैथमेटिक्स मेजर पी तो इस आर्ग्यूमेंट की ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो गई अगर ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड है तो ये आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा वैलिड हो जाएगा नाउ ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म को हम चेक करते हैं क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है कब ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी जब जब भी ये प्रेमिस जो है अगर ट्रू है तो इसके जो कंक्लूजन है उसको क्या होना पड़ेगा ट्रू होना पड़ेगा नाउ ये जो हमारा प्रेमिस है ये है पी एंड क्यू प्रेमिस अगर ट्रू है तो क्योंकि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन ट्रू होने का मतलब है कि वो एटॉमिक वो प्रपोजिशन जिससे कंजंक्शन बना हुआ है उन दोनों का क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए सो पी एंड क्यू अगर ट्रू है तो पी जो है वो भी क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए so, तो होना चाहिए? होना चाहिए। so, हम इस तो सिंपली हम कंजंक्शन की डेफिनेशन से भी ये देख सकते हैं कि जब भी P कंजंक्शन Q ट्रू है तो जो कंक्लूजन P है वो क्या वो क्या होगा ट्रू होगा सो so ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी वो क्या होगी वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म और हमारे पास जो ये आर्ग्यूमेंट है ये भी क्या हो जाएगा वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है इसको हम ट्रुथ टेबल की मदद से भी शो कर सकते हैं तो ये हमारी दो प्रपोजिशन जिनकी मदद से P एंड Q प्रपोजिशन बना है P और Q की ट्रुथ वैल्यूज़ के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स P एंड Q की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हम हम जानते हैं कि कंजंक्शन ट्रू होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब वो प्रपोजिशन जिनसे वो बना हुआ है वो दोनों की दोनों क्या हो ट्रू हो तो ट्रू ट्रू का ट्रू बाकी सारी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं पी एंड क्यू की वो क्या हो जाएंगी फॉल्स हो जाएंगी फॉल्स 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 नाउ पी की ट्रुथ वैल्यूज को वापस इस कॉलम में लिख रहे हैं ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स नाउ पी एंड क्यू इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म का क्या है प्रेमिस है और P जो है इसका क्या है कंक्लूज़न है हम इस ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं कि जब भी P एंड Q जो है ट्रू है जब भी प्रेमिस जो है ट्रू है तो कंक्लूजन P भी क्या है ट्रू है तो ये हमारे पास ये ट्रुथ टेबल भी बता रही है कि ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है न जब भी किसी आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट फॉर्म ये बनती है जिसमें प्रेमिस p एंड q है और कंक्लूजन p है उस केस में वो आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि p वेरिएबल कौन सा प्रपोजिशन है q वेरिएबल कौन सा प्रपोजिशन है और ये हमारे पास एक नया रूल्स ऑफ इन्फ्लुंस आया प्रपोजिशनल लॉजिक का और इस रूल को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन इसलिए बोलते हैं कि प्रेमिस पी एंड क्यू है और लगभग जो कंक्लूजन पी है वो इसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं कि पी एंड क्यू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास कंक्लूजन पी आ रहा है तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं हमें ये पता करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है प्रेमिस है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाव कंक्लूजन है इट इज बिलो फ्रीजिंग नाव सपोज इट इज बिलो फ्रीजिंग इस प्रपोजिशन को हम डिनोट कर रहे हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल पी से एंड इट इज रेनिंग नाउ इसको हम डिनोट कर रहे हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्यू से पी प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल डिनोट कर रहा है इट इज रेनिंग नाउ इस आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं इट इज़ बिलो फ्रीजिंग उसके लिए वेरिएबल पी एंड कंजंक्सन रेनिंग नाव क्यू सो ये हमारी प्रेमिस हो गई देयर फोर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग नाव पी वेरिएबल और ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनी है ये रूल्स ऑफ इंफ्लुंस ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक की कौन सी फॉर्म है सिम्प्लीफिकेशन और हम जानते हैं कि जो सिम्पलीफिकेशन फॉर्म होती है वो वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म इस वजह से ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसा आर्ग्यूमेंट है वैलिड आर्ग्यूमेंट है थैंक यू